आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगी जहां की महिलाएं और लड़कियां सबसे आकर्षक मानी जाती हैं। यह एक ऐसा देश है जिसे फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं। समुद्र के नीले पानी के सुंदरता के साथ सैकड़ों साल पहले की इमारतें और इस देश का कल्चर देखकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है स्पेन, और आज मैं स्पेन से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपको पसंद आएंगे। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, स्पेन को आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ स्पेन कहा जाता है, जिसका एरिया 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इस खूबसूरत देश में 4,74,00,000 के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। स्पेन की राजधानी के रूप में मैड्रिड शहर को जाना जाता है, और यहाँ की महिलाओं के चर्चे पूरी दुनिया भर में होते ही रहते हैं। स्पेन यूरोप महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है। इस देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, और यहाँ के लगभग 25% लोग बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। इसीलिए यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएं नए व्यापार के काम को बहुत ही कम पैसों के लिए करती हैं। काम न होने की वजह से यहाँ के लोग बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, और बहुत से परिवार तो दूसरे देशों में काम करने के लिए जा चुके हैं। यही कारण है पिछले 3 वर्षों में स्पेन की आबादी बढ़ने की वजह घटती जा रही है। हालांकि देखने और घूमने के लिहाज से स्पेन को काफी सुंदर और दिलचस्प माना जाता है, इसीलिए यहाँ हर साल लगभग 8 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं। यही वजह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेन की ये है। स्पेन में बुल फाइटिंग को काफी पसंद किया जाता है, पर यह खतरनाक है, फिर भी स्पेन के बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों, इस देश में पिछले 10 वर्षों में जितने भी कंपनीज और बिजनेस खोले गए हैं उनकी मालकिन अधिकांश महिलाएं ही बनी हैं। अगर आपको समुद्री किनारों के नज़ारे लेना बहुत पसंद है तो शायद स्पेन के बीचेस से शानदार और कोई जगह हो सकती है। स्पेन में आप बीचेस पर घूम घूम कर थक जाएंगे, पर आपका मन और आंखें कभी नहीं भरेंगी, क्योंकि पूरे स्पेन में 8,000 से भी ज्यादा बीचेस मौजूद हैं, और यहाँ कई ऐसे भी समुद्री किनारे हैं जहाँ महिलाएं ना मात्र कपड़े पहनकर घंटों धूप का आनंद लेती हैं। स्पेन का एक त्योहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जिसे ला टोमेटिनो कहा जाता है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है, जिसमें लोग टमाटर खराब करते हैं, मतलब लोग एक दूसरे को टमाटर फेंक कर मारते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी स्पेन घूमने गए तो यहाँ के लड़कियों के प्यार के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि स्पेनिश लड़कियाँ जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही जल्दी दिल भी तोड़ देती हैं। मतलब यहाँ की लड़कियों को शादी करना और रिश्ते को लंबे समय तक चलाना पसंद नहीं होता, इसीलिए ये कुछ समय बाद अपने पार्टनर बदलती ही रहती हैं। इसके अलावा स्पेन में कोई भी 16 साल की लड़की अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती है और अपनी मर्जी से संबंध भी बना सकती है। यूं तो स्पेन में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन स्पेनिश भाषा यहाँ की मूल बोली है जिसे अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं। पर स्पेन के शाही परिवार के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, और ऐसा करना यहाँ अपराध माना जाता है, जिसमें 2 साल की जेल भी हो सकती है। वैसे तो स्पेन में सुंदरता की कोई कमी नहीं, राजधानी मैड्रिड जितना खूबसूरत शहर है उससे भी सुंदर स्पेन के बार्सिलोना शहर को माना जाता है। यहाँ का मौसम, म्यूजिक की आवाज, फैशन और लोगों की मौज मस्ती दुनिया के किसी भी युवा को आकर्षित कर ही लेती है। स्पेन की बात चल रही हो और फुटबॉल का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, स्पेन का बार्सिलोना क्लब वर्ल्ड फेमस है, और फुटबॉल ऐसी चीज है जिसकी वजह से स्पेन के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ का डांस देखकर लोगों को काफी आनंद भी आता है। जब स्पेन की फुटबॉल टीम जीतती है तो यहाँ की महिलाएं सबके सामने अपने कपड़े तक उतार देती हैं, और ये होना स्पेन में एक नॉर्मल सी बात है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पेन भाषा 22 देशों के 40 करोड़ लोग बोलते हैं, जिसमें से 33 करोड़ स्पेनिश बोलने वाले तो केवल अमेरिका में ही रहते हैं। दोस्तों, स्पेन में महिला हो या पुरुष बिना कपड़ों के बाजार में घूम सकते हैं, और कई बार यहाँ ऐसा होता भी है जिसके लिए यहाँ कानून ही इन्हें छूट देता है।
स्पेन में चलने वाली करेंसी को यूरो कहते हैं और एक यूरो भारत के 85 रुपए के बराबर आता है। फोन कॉल करने से पहले यहाँ +34 मिलाना होता है और यहाँ गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेन का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ लाइक दें, और अगर आप इसी तरह की मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मैं आपकी दोस्त लाती ही रहती हूँ ऐसी ही वीडियोस। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।